दोस्तों, मेरा नाम है विनय राज कश्यप और आप देख रहे हैं हैंकर राइडर चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दी आ गए हैं, चारों धाम की यात्राओं के कपाट बंद हो चुके हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे किस धाम के कपाट किस दिन बंद हुए और अगले साल ये किस टाइम किस दिन खुलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद हो चुके हैं और केदारनाथ जी की मूर्ति को अब रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में लाया जा चुका है और अब अगले 6 महीने इनकी यहीं पूजा की जाएगी। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ के कपाट भी 19 नवंबर को बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ जी की मूर्ति को जोशी मठ में लाया जा चुका है और अब पूरे 6 महीने इनकी भी पूजा जोशी मठ में ही की जाएगी। और इसके बाद अब हम बात करते हैं गंगोत्री जी की। गंगोत्री जी के कपाट 15 नवंबर को बंद हुए हैं और गंगोत्री जी की मूर्ति को धराली के पास मुखवा गांव में लाया जा चुका है। अब इनकी भी पूजा यहां पर 6 महीने के लिए यहीं पर होगी। और इसके बाद आता है यमुनोत्री। यमुनोत्री जी के कपाट 16 नवंबर को ही बंद हुए हैं और इनकी मूर्ति को भी खरसाली गांव में लाया जा चुका है। इनकी पूजा अगले 6 महीने तक यहीं पर ही होगी। और अब हम आते हैं 2021। 2021 में चार धाम यात्रा कब 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 खुलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, केदारनाथ जी का अभी तक जो शेड्यूल है वो 15 मई 2021 में कपाट खुलने का टाइम है। बाकी ये तिथियां तिथि के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं। इसके लिए जब भी ये चेंज होगी, जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत अपडेट करा देंगे। अभी के लिए बद्रीनाथ कपाट खुलने का कोई टाइम अभी नहीं आया है और गंगोत्री का 14 मई और यमुनोत्री का भी 14 मई ही डिसाइड हुआ है। जैसे भी इसके बारे में कोई भी अपडेट हमारे को मिलती है, तुरंत हम आपको बता देंगे।